गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिया। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को फिर से लेकर आई हूँ स्टेफ्री का पैड, और इसका मैं डेमो देने वाली हूँ। जो लड़कियाँ नहीं जानती है कि पैड को कैसे यूज करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो स्टेफ्री जो पैड है वो ये रहा, ये वाला पैड जो होता है वो स्टेफ्री पैड है। और स्टेफ्री जो है वो अभी तक बहुत लोग यूज़ करते हैं। स्टेफ्री पैड मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होता है, और ये मैं मानती भी हूँ क्योंकि मैं जब से यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ स्टेफ्री पैड के साथ में। तो ये जो है ये 12 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन देता है, स्टेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टेन आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये जो बड़ा पैक है ये मुझे 235 रुपीज़ में मिला है। ये मुझे रिलायंस से डिस्काउंट था तो मुझे 235 नहीं पड़ा था, मुझे लगता है 200 पड़ा था ये मुझे। और ये 2 इंटू एक्स्ट्रा और 2 इंटू फास्ट आपको एब्जॉर्ब करता है आपके ब्लड को, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। और ये एक्सेल पैड है, आप इतना बड़ा नहीं लेना चाहते हो तो आप छोटा पैड भी ले सकते हो। वो आपको मिलेगा 30 रुपीज़, आई थिंक 30 में मिलता है। मैं छोटा तो नहीं लेती हूँ, मैं बड़ा ही वाला लेती हूँ हमेशा। और इसके साथ में और आपको मैं दिखाती हूँ पैड और कौन कौन सा पैड होता है। तो ये आपको ये वाला एक पैड आएगा ऐसे पैक में, ये 20 पैड इसमें आएगा। और इसका जो प्राइस है ये 115 रुपीज़ है, इसका प्राइस 115 रुपीज़ है, जो काफ़ी अच्छा है आई थिंक सो। मुझे लगता है कि इतना में आपको, जब छोटा लोगे तो वो 1 मंथ इनफ होता है, आप 1 महीने का यूज़ कर सकते हो, वो भी ठीक है। ये रहा वो 20 पैड वाला 115 रुपीज़ का। और ये कॉटन का होता है, तो कॉटन का जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। एक होता है जिसमें नेट नेट टाइप का होता है, विस्पर। विस्पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने उसे यूज़ किया था तो वो मुझे एक तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, और दूसरा कि वो रैसेस का डर उसमें ज़्यादा रहता है। मुझे हो गया था तो मैं विस्पर तो एडवाइस नहीं करूँगी कि आप विस्पर यूज करो, मैं स्टेफ्री के साथ खुश हूँ। और ये 274 mm जो है ये लॉन्ग होता है, डबल एक्सल। आप एक जो ब्लड निकलता है उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है ये। और ये जो है आप अगर ये पैड यूज़ करते हो स्टेफ्री का पैड, तो पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा सा जो स्मेल वगैरह का दिक्कत होता है ना, वो स्टेफ्री में बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टेफ्री का जो पैड होता है वो बिल्कुल फ्रेश फील कराता है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भीग गया है, गीला हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको इसका ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि ये कैसा है। एक्स्ट्रा लार्ज पैड होता है ये, एक्सेल लो तो काफ़ी अच्छा होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ऐसे लंबा पैड ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि दिन में तो चलो आप खड़े रहते हो, अदरवाइज अगर आप लेटते हो ना तो पीछे से स्टेन लगने का बहुत डर रहता है। स्टेन का दिक्कत 1 और 2 डे होता है, पहला दूसरा दिन का फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा डर होता है। पैड को आप बिल्कुल बिल्कुल एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा पैड है, बहुत अच्छा पैड है। क्योंकि ये लड़कियों को हर दिन, आपको पता है कि हर महीने ये आना ही है, मतलब नेचुरल है, आपको हर पूरी ज़िंदगी ये सहन करनी है, तो आप कुछ अच्छा यूज़ करो। कपड़ा बिल्कुल यूज़ मत करो, कपड़ा बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। कपड़े से ज़्यादा आपको इचिंग हो सकती है, कपड़े में खुजली बहुत होती है, कपड़े से इन्फेक्शन हो सकता है। गंदा कपड़ा लोगे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप स्टेफ्री पैड लेते हो, एक बार लेके आप इसे फेंक दो, दूसरा आप ले लो, महीने का 30 रुपये लगता है, आप इससे ज़्यादा खर्च इधर उधर कर देते हो। कुछ लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में कहा था कि पहले के लोग कपड़ा यूज़ करते थे तो क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी? ऑफ कोर्स होती थी, पता नहीं चलता होगा, होती होगी। पहले का सिचुएशन ऐसा था, पहले स्टेफ्री नहीं था, पहले लोग ऐसे इतने एडवाइस, इतने टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। अब लेकिन जब है तो हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएं, हम जानकर भी गलती क्यों करने जाएं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप मेंस्ट्रुअल कप का डेमो दो, तो यस मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इंडिया में वो इतने लोग भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि अभी पैड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो कप में लोग अभी कंफर्टेबल नहीं होंगे। मुझे भी पता है, क्योंकि लोग इतने अभी नहीं जानते हैं वो क्या होता है, लोग उससे यूज़ नहीं करना जानते हैं। मुझे लगता है कि ये पैड बेस्ट है, हो सकता है वो दूसरे कंट्री में या दूसरे लोग उसका अच्छे से यूज़ करते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी यहाँ पर लोग यूज़ करते होंगे। सो और कुछ लोगों ने कहा था कि आप
आप स्टेफ्री का प्रमोशन करते हो इसीलिए आप इसके बारे में अच्छी अच्छी बात बता रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं स्टेफ्री का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करती हूँ। मेरे लिए ये सच में बेस्ट है, तभी मेरे पास इतना सारा पड़ा हुआ है, अदरवाइज मेरे घर में और कोई पैड है ही नहीं। मैं यही वाला लेती हूँ। अगर मुझे प्रमोशन करना होता तो मैं छोटा वाला ही पैड लेकर आती और उसे ही प्रमोट करती। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे ही हर वीक सॉरी हर मंथ इसे ही यूज़ करती हूँ। तो चलो मैं फटाफट से आप लोग को, जो लड़कियां नहीं जानती है पैड कैसे यूज़ करते हैं, पैड कैसे लगाते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पैड को कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मुझे पहली बार तो मुझे खुद नहीं पता था कि पैड को कैसे यूज़ किया, तब इतनी यूट्यूब नहीं थी तो मैं इतना पता कर सकूँ। सो आपको ले लेनी है इस टाइप की पैंटी। सी इस टाइप की पैंटी अगर आप लोगे ना तो आपको पैड लेने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज आप वो लॉन्ग वाला पैंटी लोगे तो उसमें आप, मुझे नहीं लगता कि उसमें पैड उतना सही से बैठता होगा, या फिर जो भी ये वाला जो पैड है इसमें आप, ये वाला सॉरी पैंटी, ये वाला जो पैंटी है इसमें आप यहाँ पर आराम से पैड लगा सकते हो, जो कि सिक्योर हो जाता है एक तरफ से। स्टेफ्री का पैड ये रहा, ऐसे आता है, और ये देखो आप, ये पूरा कॉटन का है, इसमें कोई नेट का कुछ भी काम नहीं है, पूरा कॉटन है, पीछे से ऐसा आता है। ये न्यू पैक है इसलिए मुझे भी ये न्यू ही लग रहा है, मैंने ये नहीं देखा था पहले। ये देखो ये रहा, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्टिकर रहता है, ये वाला जो है ना ये स्टिकर है, आपको इसे ऐसे स्टिकर को ऐसे आराम से ओपन करो, और यहाँ पर जो है ना ये स्टिकी होता है, ठीक है, ये वाला स्टिकी होता है जो आपके पैंटी पे आराम से चिपक जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे करके इस पैंटी पे ऐसे करके चिपका दो, ठीक है, ये वाला चिपक गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पर स्टिकर है इसको उखाड़ लेना है। यहाँ पर दो विंग्स हैं, ये वाले विंग्स ऐसे ओपन होता है, इसमें भी स्टिकी टाइप का स्टिक करने के लिए रहता है। आप इसे देखो, आप आराम से देखना, ये वाला जो है इसे आप पीछे की साइड मोड़ दो, और इधर इधर से भी आप इसे पीछे की साइड मोड़ देना, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप कितने आराम से, मतलब पैड में आपकी पैंटी पे ये चिपक जाएगा, अब ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं। और फिर आप अगर आपको इसे फिर उखाड़ना है तो आप ये वाला विंग्स पहले निकालो, ये वाला ऐसे करके, देन आप यहाँ से, ठीक है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये स्टेफ्री पैड जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, यूज़ करने में भी आपको कुछ फील भी नहीं होगा कि आप लगाए हो, और 12 घंटे से ज़्यादा स्टेफ्री पैड यूज़ नहीं किया करते क्योंकि उसके बाद इन्फेक्शन का डर रहता है, उसके बाद ऐसे तो स्टेन का डर रहता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद 12 घंटे से ज़्यादा पैड खुद नहीं चाहता है कि आप उसे यूज़ करो। इसमें लिखा हुआ है 12 घंटे का प्रोटेक्शन, जो आप फॉलो करो। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।